देखिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बता दी, मीजोकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल्स बता दी, लेकिन आपकी बुक्स में तो नहीं दिया है, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज दे दूँ। एक डॉज नामक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे? डॉज नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1964 में, 1964 में डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट एक एनिमल है, जंतु है, इस जंतु में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका देखी थी और इसको इन्होंने मीजोकैरियोटिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मीजोकैरियोटिक सेल नाम दिया था। ये जब उसकी स्टडी कर रहे थे तो स्टडी के दौरान इन्होंने देखा कि ये कोई सेल है, इस सेल में केंद्र के चारों ओर वो अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और ये डीएनए हो गया। क्या हो गया? डीएनए हो गया, क्रोमोसोम नहीं थे, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी थी, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी थी, अर्थात मतलब ये विकसित तो होने लगी थी, विकसित हो गई थी प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जितनी डेवलप नहीं थी, विकसित नहीं थी। इस वजह से डॉज नामक वैज्ञानिक ने 1964 में इसको खोजकर नाम दे दिया मीजोकैरियोटिक नाम। क्या नाम दे दिया? मीजोकैरियोटिक नाम दिया, और ये कहा कि यह है एग्जाम्पल, तो ये हो गया किसमें पाई जाती है, डायनोफ्लैजिलेट में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक किसने खोजा? डॉज ने। किसमें? डायनोफ्लैजिलेट में। नाम क्या दिया? क्या था कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी थी, लेकिन केंद्र झिल्ली का डेवलपमेंट हो चुका था, पहली चीज। और कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ लक्षण तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे थे और कुछ लक्षण यूकैरियोटिक कोशिका जैसे थे, इस वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक के नाम से जाना गया। इतना आपको कायम पढ़ना है। मीजोकैरियोटिक में ये भी पूछा जा सकता है, कर लीजिए इसको।